अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चैनल अम्मी की तरकीबे में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ और आपसे मुअत्तबाना गुजारिश करती हूँ कि हमारी कावशों को सराहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। खुश आमदीद। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड और हरी मूंग की चटपट। ये देखिए, चलो हम देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो यहाँ हमने 7 से 8 जो है ब्रेड लेकर रखे हैं, और कल हमने आपको जो चटनी बताए थे ना, तो वो चटनी है, ये इमली की चटनी है। ये भी जैसे जायका हमको लगेगा जितना लगेगा वैसे, तो तकरीबन ये 2 चम्मच इतना यानी 2 टीस्पून इतना हमको लगता है, और ये भी 2 टीस्पून इतनी हरी चटनी लगेगी हमको। और यहाँ जो है हमने शक्कर रखे हैं, ये 3 टीस्पून है, और यहाँ तलने के लिए एक बाउल में हमने तेल रखे हैं, और 100 ग्राम हरी मूंग को हमने पानी में नमक डाल के उबाल के लिए है, तो वो देखो ऐसी हो गई है। और ये है 50 ग्राम इतनी नायलोन सेव है, और ये भी एक बड़ा सा आलू लिए हमने, और यानी पोटैटो, और उसको बॉईल करे, उसको मैश करके देखो हमने इधर रखे हैं। और हमको 1/2 टीस्पून ये काला नमक लगेगा, और एक मीडियम साइज की प्याज को हमने इधर चॉप करके रखे हैं, और ये है जीरे का, भून के जीरे को हमने पीस के रखे, उसका पाउडर है, ये भी जो है ये हमको 1 टीस्पून लगेगा। और एक प्याली भर के जो है इधर हमने दही लेकर रखे है, इस दही के अंदर ही जो है हम इस शक्कर को जो है ना इसको मिलाएंगे, क्योंकि हमको जो दही चाहिए है वो एकदम मीठी चाहिए। अब हम इसको बनाने की आपको तरकीब बताते हैं। ये देखो, ये ना हमने यहाँ ब्रेड के ऐसे पीसेस करके रखे, हाँ जो हमने आपको बताया थे ना, और यहाँ जो है हमने तेल लिए है, और ये तेल है ना हम अभी ये फ्राइंग पैन में डालेंगे, और ये ना ब्रेड को तलने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी तवा गर्म होगा ना, तो हम इसके अंदर तेल डालेंगे, और तेल डाल के फिर इसको तलेंगे। देखो ये तवा गर्म हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसके अंदर तेल डालेंगे, हाँ ये एक प्याली तेल, ये कितना होगा, 1/2 लीटर इतना तेल है, हाँ ये इतना पूरा लगेगा नहीं, इसको तल के ये निकल जाएंगे। ये तेल गरम हुआ ना, तो इसके अंदर डालेंगे। देखो ये तेल अभी गरम हो गया ना, अब ये उठाने का और इसके अंदर डालने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से ना एक एक करके फ्राई करके निकालने का। अभी हम बताते हैं आपको। देखो ये ना कड़क भी हो गए और ब्राउन भी हो गए, बस इसको ना ऐसा निकाल देने का, अच्छा कड़क करने का। हाँ ऐसे ऐसे कर करके इसको निकाल लेंगे, सबको ऐसे ही, पूरे जितने भी ब्रेड है ना सबको ऐसे ही तल। ये देखो ये है ना हमारे सब अभी हो गए ना, ये अच्छे से चूल्हा बंद कर देने का और इसको ऐसा निकाल लेंगे। अब इसको पूरा ऐसा निकालें। देखो ये है ना हमारे पूरे तले हुए ब्रेड हैं। अभी ना इसको इसकी चटपट बनाने का है ना, मूंग जो हरी वाली हमने उबाल के रखे थे वो डाल के इसकी चटपट कैसे बनाने का हम उसका तरकीब आपको बताते हैं। अभी देखो ये ना एक तय हमने एक प्लेट लिए, एक तय ना इसके ऊपर ऐसे ही ये ब्रेड की लगाई, ये कड़क कड़क ब्रेड है। अभी हर ब्रेड के ऊपर ना ऐसा थोड़ा थोड़ा ये मूंग डालने का, ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर जाना चाहिए, बस ऐसा इसके ऊपर ऐसा डाल देना। देखो ये ब्रेड के ऊपर है ना हमने हरी मूंग की ऐसी एक तह लगा दी। अभी इसके ऊपर वापस से सब ब्रेड है ना एक 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 करके इसको पूरा ढक देना। ब्रेड के ऊपर पहले हमने हरी मूंग डाले, हरी मूंग के ऊपर फिर ये डाले ब्रेड। ये देखो हमने पहले ब्रेड रखे, ब्रेड के ऊपर मूंग रखे, मूंग के ऊपर फिर वापस से ब्रेड रखे, और ब्रेड के ऊपर है ना फिर ये हरी हरी चटनी जो हमने बताया ना, ये इसका वीडियो है ना इधर डाला हुआ है हमारे चैनल पर, आपको देखना है तो जाकर देख सकते हो। और या तो फिर आपको जैसी भी हरी चटनी चाहिए वैसी हरी चटनी पुदीने की ऐसे डालने की, ये ऊपर बस ऐसे डालने की, और फिर उसके बाद है ना इसके ऊपर ये जो जीरे का पाउडर है ना वो डालने का, ऐसे डालने का डालें, फिर है ना इसके ऊपर
थोड़ा सा ये जो नमक रहता है ना, ये कौन सा नमक है, ये उसको पहाड़ी नमक भी बोलते हैं, काला नमक है इसका, ये है उसका पाउडर करके हमने रखे, ये लेंगे। यस, ये हुआ। अभी इसके बाद है ना, इसके ऊपर है ना ये जो आलू रहते हैं ना, ये आलू डाल देने का, ये देखो पूरा भर के ऐसे ही ये आलू डाल देने। अभी ये हमने आलू डाले ना, आलू डालने के बाद ये प्याज है ना इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ऐसी प्याज डालने की, फिर है ना इसके ऊपर भर के हम ये जो दही जो हमने मीठा करके रखे थे ना, ये पूरा इसके ऊपर डाल देने का अच्छे से। फिर ये दही हुआ, और दही के ऊपर ये जो हमने ये इमली की चटनी बनाए थे ना, ये पूरा ऐसे डाल देंगे। फिर ये जो नायलॉन सेव है ना, ये इसके ऊपर डाल देंगे। ये बन गई हमारी चटपट, झटपट भी बनती है ये चटपट, और खाने में इतनी लजीज, बहुत ही ज़्यादा। आप ये रमज़ान में भी बना सकते हैं, बच्चे लोग के लिए भी बना सकते हैं, और मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं। देखो अब इसको सर्व करके बताते हैं हम आपको। ये देखिए, ये हमारी बनकर तैयार है ब्रेड और हरी मूंग की चटपट, बहुत ही जल्दी और बेहतरीन बनने वाली, एकदम लजीज हमको तो लगती है, और आपको भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही लगेंगी। आप भी हमारे तरीके से इसको खाओ। अभी हमारा बेटा आपको खा के बताता है।